हमारे एक दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो मैं कभी नहीं जाता ऐसे मौकों पर, इस किस्म की जगह पर, लेकिन उसने मेरी इतनी मिन्नत की कि मैं शर्मिंदा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई मैं आ जाऊंगा, और फिर उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि वहां सारा अलग अलग है, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का अलग है, पीसी लाहौर में। तो मैंने कोई 30-32 बरस के बाद उस होटल में कदम रखा, माजी के धुंधलकों में झांकते झांकते कितनी सुबह कितनी शामें वहां गुजरी हुई थी गफलत की। तो मैं जब वहां से निकलने लगा खाने के बाद, तो औरतें निकल रही थी, अक्सर बेपर्द थी, तो वहां गैलरी में मुझे किसी ने रोक लिया, मुझसे बात करने लग गया, मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं कुछ और औरतें खड़ी थी। इतने में सबकी नजर पीछे लगी, औरतों की भी मर्दों की भी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये नजरें पीछे क्यों उठ रही। क्या देखा, मेरे करीब से एक खातून गुजरी जो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल बुर्के में, हाथों पे भी दस्ताने थे और पांव में जुराबें थी, और एक बिल्कुल सादा सा बुर्का उन्होंने पहना हुआ था। जब वो गुजरी है तो एकदम सन्नाटा छा गया, सारे औरतों पर भी सारे मर्दों पर भी। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि ये हक है, ये सूरज जब चमकता है तो हर एक को उसकी रोशनी नजर आती है। वो औरत इतने एतमाद से गुजरी, वरना ऐसे माहौल में तो जिन्होंने पर्दे किए होते हैं वो पर्दे उतार देते, सर से दुपट्टे उतार देते, वो उसमें इस तरह गुजरी, ओहो, सबकी नजरें शर्म हया से झुक गईं। वो औरतें जिनके दुपट्टे कहीं जा रहे थे उनकी भी नजरें शर्म हया की वजह से झुक गईं। ये मुसलमान औरत की पहचान है, ये फातिमा की बेटी है, ये खदीजा की बेटी है, ये मगरिब की नंगी बेटी नहीं है कि जहां मां बेटी का तसव्वुर खत्म कर दिया गया है। वो अब वो गंदगी हमारी तरफ फेंकना चाहते हैं, वो हमें ये गंद चाटने पर लगाना चाहते हैं, पर हम अल्लाह की मेहनत कर रहे हैं, या अल्लाह तो इस निजाम को तोड़ दे। हमारी तो बेबसी है, हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे उतर गए, कपड़े मुख्तसर हो गए, अजब हाल है। हया पता नहीं कहां ही रूठ के चला गया, नजर ही नहीं आता, पहाड़ों में जाके भी ढूंढा वहां भी नहीं मिला, सहराओं में गए, दरियाओं में गए, कहीं नहीं मिला। कभी एक सिफत हुआ करती थी, आज पता नहीं कहां से मिलेगी, किस बाजार से मिलेगी, वो मंडियां ही बंद हो गई। जिस कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शौर और शौक बना लें, उनकी नस्ल से अब खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकते, नाचने वाले ही पैदा होंगे, मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो सकते, तारिक बिन ज़ियाद नहीं पैदा हो सकते।